प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर ऑफ रिलीफ, दिस इज इंपॉर्टेंट, और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्री दोनों के लिए, मेंस के लिए ये पोर्शन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके के रिलीफ दिए जाएंगे और उसका प्रोसीजर क्या होगा डोमेस्टिक वायलेंस में। तो सेक्शन 12 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट। पहले तो एप्लीकेशन दी जाएगी, मजिस्ट्रेट को कौन दे सकता है, अग्रीड पर्सन दे सकता है या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर देगा या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर भी दे सकता है। अग्रीड पर्सन और प्रोटेक्शन ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द अग्रीड पर्सन मे प्रेजेंट एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट सीकिंग वन और मोर रिलीफ अंडर दिस एक्ट। कोई भी रिलीफ ये मांग सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर ऑन सच एप्लीकेशन द मजिस्ट्रेट शैल टेक इनटू कंसीडरेशन ए डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। मजिस्ट्रेट रिलीफ देने के पहले क्या कंसीडर करेगा? डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, ये वो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर बना के लाता है वो रिपोर्ट कंसिडर करेगा। इसके बाद सबसेक्शन 2 जो है, द रिलीफ सॉट फॉर अंडर सबसेक्शन 1 मे इंक्लूड अ रिलीफ फॉर, यहां देखिए किस किस तरीके के रिलीफ है। ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन और डैमेज विदाउट प्रेजुडिस टू द राइट ऑफ सच पर्सन टू इंस्टीट्यूट अ सूट ऑफ फॉर कॉम्पनसेशन और डैमेज। सबसेक्शन 2 बेसिकली ये बता रहा है कि यहां जो आपको रिलीफ दिए जा रहे हैं ये एज इट इज दिए जाएंगे, ये प्रेजुडिस नहीं होंगे अगर आपने ऑलरेडी कोई सिविल सूट फाइल कर रखा है तो। वहां अपना डैमेज आप लीजिए, यहां दिया जाएगा। हाँ, यहां अगर आपको कोई डैमेज या कॉम्पनसेशन मिल गया तो जब सिविल सूट जहां चल रहा है वहां ये बात बतानी है, या फिर यहां आप रिलीफ ले रहे हैं तो ये बताइए कि ऑलरेडी आपने सिविल सूट फाइल कर रखा है और वहां से कितना रिलीफ मिला ये भी आपको बताना है, क्योंकि दो जगह से आप नहीं लेंगे, अकॉर्डिंगली मिलेगा। अगर यहां मिल गया तो वो जो सिविल सूट है वो कम कर देगा आपका रिलीफ, या वहां आपने ऑलरेडी ले लिया है तो यहां जो मजिस्ट्रेट है वो आपको कम देगा रिलीफ। ठीक, उसी के बारे में ये प्रोविजो है। इसके बाद एवरी एप्लीकेंट एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी इन सच फॉर्म एंड कंटेन सच पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसमें ये सारी चीजें होनी है। 4 और 5 से एक दो प्रिलिम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो देख लीजिए। जैसे यहां दिया है, द मजिस्ट्रेट शैल फिक्स द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग विच शैल नॉट ऑर्डिनरली बी बियॉन्ड 3 डेज। तो पहली डेट जो हियरिंग की फिक्स होगी, इट शैल नॉट ऑर्डिनरली बी बियॉन्ड 3 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसेट ऑफ द एप्लीकेशन बाय द कोर्ट। जिस दिन भी एप्लीकेशन आई है रिलीफ की, पहली हियरिंग 3 दिन के अंदर रख देनी है। द मजिस्ट्रेट शैल एंडेवर टू डिस्पोज ऑफ एवरी एप्लीकेशन मेड अंडर सबसेक्शन 1 विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो रिलीफ की सेक्शन 12 में आपके पास एप्लीकेशन आ रही है, 60 डेज में आपको एंडेवर कोशिश करनी है कि 60 डेज में वो रिलीफ दे दिया जाए। ठीक, इससे ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है।